Dear students, good morning. Good morning to you all. This is Aditya Ranjan, welcoming to you all in this today's class, which is organized for Standard 10th, and our chapter is Control and Coordination. So, students, कल हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, ठीक है? तो ये कंट्रोल है क्या, कोऑर्डिनेशन है क्या, इनके रेगुलेशंस क्या हैं और ये कहाँ कहाँ लागू होते हैं, बस यही हमने पढ़ना था और यही हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल की बात अगर कहा जाए तो कंट्रोल कोई एक मैनेज्ड एक्शन है, पता है, वेल मैनेज्ड रूप में, जो कि किया जाता है, अपने आप होते रहता है विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर एक्शन जो हमारे एनवायरनमेंट में होते रहते हैं। और किस रूप में होता है, तो एक सर्टन रिएक्शन के रूप में, ठीक है, जिससे हमारे बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारी सिचुएशंस मतलब आराम से चलती रहे। अब ये कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मूवमेंट। जो कंट्रोल आपके बॉडी का है उसका, आपका बॉडी क्या है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से मिलकर बना है, तो ये जो एक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट एनी एक्शन एक्सर्ट्स इन एनवायरनमेंट जो है, वही तो कंट्रोल है। यानी वह नियंत्रण, पूर्ण रूप से व्यवस्थित नियंत्रण, जो प्रतिक्रियात्मक नियंत्रण के रूप में किसी क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है बैलेंस और व्यवस्थित तरीके से, ताकि हमें कोई हार्म भी ना पहुंचे, वो कहलाता है कंट्रोल, ठीक है। और इस कंट्रोलिंग सिचुएशन की जो मूवमेंट होती है, जो प्रसारण होता है, चैनलाइजेशन होता है थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वो कोऑर्डिनेशन है। जैसे अब हाथ का काम है पकड़ना, तो हमारा शरीर तो नहीं पकड़ेगा ना, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है हाथ, तो कंट्रोल करेगा, मतलब हैंड को आदेश देगा कि यू गो एंड कैच इट, है ना। तो कोई किसी को अगर सपोज करिए कि मार रहा है, तो एक एक्शन हुआ, तो उस एक्शन के अगेंस्ट एक दूसरा रिएक्शन जो कि बॉडी के थ्रू एक्शन के रूप में हुआ, तो यह रिएक्टिंग एक्शन जो कि बॉडी के थ्रू एक्शन के रूप में हुआ विथ अ मैनेज्ड सिचुएशन में, ये कंट्रोल कहलाता है, आत्मनियंत्रण कहलाता है, ठीक है। और इस तरह की जो भी डिफरेंट बॉडी वाइज मतलब डिफरेंट ऑर्गेन वाइज या ऑर्गेन सिस्टम वाइज जो गवर्निंग कंडीशंस होती हैं उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ एक्शन, और कंट्रोल हो गया मैनेज्ड एक्शन, और ये मैनेज्ड एक्शन और इसकी मूवमेंट किसके थ्रू होती है, तो बेस्ड ऑन सर्टेन स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या है, तो एनवायरमेंटल चेंज, और रिस्पॉन्स क्या है, तो जो रिएक्शन या जो भी एक्शन हम लोग लेते हैं उन चेंज के सिचुएशन से, वो तो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्स, स्टिमुली या स्टिमुलस, ये सब समझ में आ गया था, कल भी डिस्कस किए थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस में होता है। तो जाहिर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की चर्चा करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, डेड में क्या कंट्रोल होगा, वो तो बड़ा पड़ा रहेगा। तो ओवर हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाउ इट गवर्न्स इन प्लांट्स। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से पौधे अपनी जगह पर कंट्रोलिंग मोड में रहते हुए कैसे अपने आप को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के माध्यम से जो है इस कंट्रोल को, इस कोऑर्डिनेशन के मूवमेंट पीरियड से डिफरेंट बॉडी रेगुलेटरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं,
और ये इन्वॉल्वमेंट किस चीज का होता है, तो ये रिस्पॉन्स के रूप में जो भी हमारे हॉर्मोन्स और जो भी हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बातें होती हैं उनके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की चर्चा है। तो प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो प्लांट्स में हॉर्मोन्स और ह्यूमन बॉडी में और एनिमल्स में हॉर्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम दोनों की चर्चा करेंगे। ओवर हियर वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, पौधों के कंट्रोलिंग मोड की कोऑर्डिनेशन कैसे होती है हम उसकी चर्चा करेंगे और कितनी होती है। तो प्लांट्स के केस में दो तरह के कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन होता है जिसको कहते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन, ठीक है, या कहा जाए तो ग्रोथ, और दूसरा है ग्रोथ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन। फाइन, तो ये जो ग्रोथ डिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन है, ये जो उनके बॉडी के पार्ट्स होते हैं मेन पार्ट्स लाइक सबसे बॉटम वाला रूट, उसके बाद अपर साइड शूट और उसके बाद एरियल पार्ट्स, ठीक है। तो मेन प्लांट्स के तीन पार्ट होते हैं रूट शूट एरियल यानी लीव्स वगैरह ब्रांचेस वगैरह, ठीक। तो उनके प्लांट्स बॉडी पार्ट्स में जो भी जो कुछ भी ग्रोथ या मूवमेंट होती है वो उनके ग्रोथ डिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन की बात होती है। तो द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन विच एग्जर्ट्स इन प्लांट्स और एग्जिस्ट्स इन प्लांट्स फॉलोड बाय प्लांट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक थ्रू रूट्स शूट्स एंड एरियल पार्ट्स लीव्स स्पेशली, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। तो पौधों में उनके डिफरेंट ब्रांचेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स से जो मूवमेंट होती है कोऑर्डिनेशन होता है जो कंट्रोलिंग सिचुएशंस गेन की जाती हैं कोऑर्डिनेट की जाती है बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एस्टैब्लिश करने के लिए उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। फाइन, तो अब सबसे पहली बात अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की बात करें, किसकी बात करें, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो भी चीजें होती हैं वो फोटो और उसमें ट्रॉपिज्म लग जाएगा तो फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाएगा, ठीक। यानी कि फोटोसिंथेसिस में पौधों का कौन सा हिस्सा, शूट पार्ट, मेनली शूट पार्ट हिस्सा लेता है किस चीज में, शूट इंक्लूडिंग लीव्स, तो ये किस चीज में हिस्सा लेता है, लीव्स भी तो शूट से ही जुड़ी होती है, तो ये सनलाइट के एब्जॉर्प्शन में हिस्सा लेता है ना। तो फोटो सिंथेसिस का फोटो और कौन सा हिस्सा, तो शूट पार्ट्स, तो वो मिल गया, बॉडी का एक पार्ट्स मिल गया, तो फोटो और ट्रॉपिज्म यानी कि फोटोट्रॉपिज्म यानी कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा, इट गवर्न्स द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स इन प्लांट्स शूट पार्ट्स गवर्न बाई द लीफ ऑफ द शूट्स, शूट्स से ही तो लीफ जुड़ी होती है, और टू मेक द प्लांट फूड देमसेल्व्स, ठीक। तो ये रहा आपका फोटोट्रॉपिज्म। उसके बाद आता है जियोट्रॉपिज्म। इस फोटोट्रॉपिज्म को फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट चाहिए होती है, मेन काम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ही है, भोजन बनाने का ही काम है मेन एनर्जी रिलीज के लिए, तो फोटोट्रॉपिज्म में सनलाइट मिल गई, सनलाइट के टुवर्ड्स ये काम हो गया, शूट का मूवमेंट थ्रू टुवर्ड्स सनलाइट, है ना, जिधर सनलाइट होगी पौधा उधर ही मुरझाएगा। आप एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे बचपन में कि एक कार्डबोर्ड ले लो या इवन एक आप बक्सा ले लीजिए उसमें एक प्लांट का पॉट डाल दीजिए और प्लांट के पॉट में वो मतलब वो बक्से में कहीं पे एक होल बना दीजिए, एक गोल सा होल करके छोड़ दीजिए और टोटली उसके उस सिस्टम को इस पार्ट को टोटली यहाँ पे होल बना दीजिए, ये रहा प्लांट का पोर्शन है ना ये पॉट में और यहाँ पे होल कर दीजिए और इधर अगर सनलाइट है तो क्या होगा, ये इस साइड झुक जाएगा पूरा का पूरा क्योंकि इसको सनलाइट चाहिए होता है। तो दिस मोमेंट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म यानी कि द अट्रैक्शन ऑफ शूट पार्ट्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द सनलाइट
टू गेन द वॉच द सन टू अचीव द सनलाइट टू गेन द सनलाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपी। क्लियर। अब इसके बाद आता है जियो का मतलब होता है कौन, धरती, अर्थ से रिलेटेड। तो प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जो अर्थ में धंसा हुआ है, वो है उसका रूट पार्ट्स। तो द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स विच इन्वॉल्व्स और विच अटैच टू सॉइल टू गेन द वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस एंड अदर प्रोसेस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक। जियो यानी पौधे, सॉइल सरफेस, सॉइल मिट्टी, और ट्रॉपिज्म यानी कौन सा पार्ट उससे जुड़ा हुआ है, ग्रेविटी, कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, तो रूट्स, तो जियोट्रॉपिज्म हो गया। तो ये केवल पानी ही नहीं प्रोवाइड कराते हैं, ये उसको ग्रेविटी भी मेंटेन कराते हैं, यानी कि अस्थायित्व प्रदान करते हैं जमीन को। रूट्स की डिवेलपमेंट जो होती है उस रूट्स के माध्यम से, रूट्स सॉइल को पकड़े रहते हैं एकदम अच्छे से, जकड़ के रखते हैं, ठीक है, और होल्डिंग कंडीशन में, सो दैट कि प्लांट्स स्थिर रहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, प्लांट्स को अपहोल्डिंग कंडीशन में रखने के साथ साथ उनको वाटर वगैरह भी सप्लाई करने का काम करते हैं रूट्स। तो द रूट पार्ट्स विच इज इन्वॉल्व और विच इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन सॉइल जस्ट टू मेंटेन अ टोटल बैलेंस टू द प्लांट्स शूट पार्ट एंड द कंप्लीट प्लांट्स पार्ट विच इज जस्ट आउटसाइड द जस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द सॉइल एज वेल एज टू प्रोवाइड वाटर फ्रॉम सॉइल, दिस सिस्टम इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। फाइन। उसी तरह से अब आता है कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म का मतलब है जो भी केमिकल्स या जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे संबंधित, उनके टुवर्ड्स गवर्निंग कंडीशंस जो भी होती हैं पौधों की, वो गवर्न करते हैं सीधे सीधे कीमोट्रॉपिज्म में। तो ये कहाँ होता है, तो ये प्लांट्स के पॉलन ट्यूब्स में होता है, जो कि किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो प्लांट्स के ओव्यूल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और इन सब के बाद हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी टुवर्ड्स वाटर, है ना। तो अब हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करें तो प्लांट्स के रिसीविंग से लेकर के और एरियल पार्ट से रिमूवल तक, यानी कि एब्जॉर्प्शन से लेकर ट्रांसपिरेशन तक का जो सिस्टम है वो हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जियोट्रॉप ग्रोथ डिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन और यू कैन से द ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इसकी चर्चा कर ली, इसकी चर्चा हमने खत्म कर ली। अब आता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन, पौधों में ग्रोथ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सर्टेन हार्मोनिक एक्टिविटीज के माध्यम से होता है, जो कि हार्मोन्स के सिक्रीशन और उनके स्टेबलाइज्ड फंक्शंस के माध्यम से होता है। तो ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होते हैं या कोऑर्डिनेशन जो है ये कैसे गवर्न करते हैं, तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि कोई भी सर्टेन चेंज अगर आया एनवायरमेंट में तो उसके अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन लेते हैं। जैसे कोई एक पौधा है और आप उसकी पत्तियों को छू लो तो वो शर्मा जाती हैं, हाँ, वो मुरझा जाती हैं, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट आ जाता है उसमें, हैं। तो ये जो कंडीशन होता है ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्स लेती है, किसी चीज के पत्ते को आप खाओ है तो वो मुंह में काटना शुरू कर देता है, तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्स आपके बॉडी के रिस्पेक्ट से हो गया, वो पौधों के रिस्पेक्ट से नहीं हुआ। लेकिन अगर प्लांट के रिस्पेक्ट की बात करें तो पौधे को छूइए और उसका जिस पार्ट को छूइए, स्पेशली लीफ को, वो मुरझा गई, तो उसको बोलते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन प्लांट। नॉट ओनली दिस,
और भी बहुत सारे एक्शंस हैं, हाँ, जैसे कि टू मच हॉट पर होने के कारण, ब्रॉडनेस के कारण, प्लांट्स को पानी ना मिलने के कारण, उनका सब कुछ मतलब उनको सेनेस्केंस ऑफ लीव्स हो जाना, सूख जाना, झड़ जाना, ये सब इमीडिएट रिस्पॉन्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से ये इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है, जिसके माध्यम से स्पेशली ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट, उस प्लांट का नाम ही टच मी नॉट है, जब वो पत्तियाँ झड़ जाती हैं, जब आप उसको छूते हैं, तो जिस जो आप उस मूवमेंट और उस कोऑर्डिनेशन को सिस्मोनास्टिक मूवमेंट कहा जाता है, तो वो कंडीशन थिग्मोट्रोपिज्म कहलाती है। फाइन, और ये जो मूवमेंट है ये आपको किसके थ्रू होता है, तो सर्टेन हॉर्मोन्स के कारण होता है, जिसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अभी तक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन टाइप के बारे में पढ़ा। तो पौधों में पांच टाइप के कोऑर्डिनेशंस होती हैं। सबसे पहला ग्रोथ डिपेंडेंट, जो उसके बॉडी पार्ट के ग्रोथ से डिपेंडेंट होता है, जैसा कि अगर रूट डिपेंडेंट बात करें तो जियोट्रोपिज्म है ना, अस्थायित्व से लेकर के उनको अच्छे से रूट टुवार्ड्स रूट, जड़ों के विकास से लेके जड़ों के द्वारा वाटर सप्लाई से लेके और उनके पूरे प्लांट पार्ट्स को स्थायित्व प्रदान करने तक। अगर शूट की बात करें तो फोटोट्रोपिज्म टुवार्ड्स लाइट में जा सारे रिएक्शंस को इन्वॉल्व करता है। डिफरेंट केमिकल एक्शंस की बात करें तो कीमोट्रोपिज्म, उसके बाद जो भी वाटर अवेलेबिलिटी होती है प्लांट्स के अंदर उसका यूटिलाइजेशन और उसको बाहर ट्रांस मतलब कि वॉश आउट करने से लेकर के उसको रिमूव करने से लेकर के जो कंप्लीट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन टू ट्रांसपीरेशन, इसको बोलते हैं हाइग्रोट्रोपिज्म। तो ये चार हो गए, और पांचवा ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, कि बिना किसी ग्रोथ के अगर आप एक्सटर्नल कोई एक्शन करते हैं तो सर्टेन उसमें मूवमेंट आता है, वो आपको थिग्मोट्रोपिज्म कहलाता है। और ग्रोथ डिपेंडेंट जो भी मूवमेंट है वो, या इंडिपेंडेंट जो भी मूवमेंट है, ये सारे के सारे ट्रोपिज्म कहलाते हैं। कितने? फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइग्रोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म, ये आपने पढ़ लिया। अब ये सारे के सारे जो भी एक्टिविटीज या कोऑर्डिनेशंस होती हैं उसका जिम्मेदार कौन है? तो इस तमाम एक्शंस का जिम्मेदार है सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, प्लांट्स के ग्रोथ को रेगुलेट्स करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर, समझ गए? जिससे कि ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। आई बात समझ? तो ये ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं ये कौन कौन है? तो सबसे पहला एग्जांपल आता है ऑक्सिन्स का, AUXINS, ऑक्सिन्स। ये क्या करता है एकदम इसको अच्छे से समझिए। सपोज करिए कि ये आपका प्लांट हो गया, फाइन, ऐसा। तो प्लांट में सबसे नीचे का पार्ट कौन सा? रूट। तो फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस रूट्स, डिफरेंट बहुत रूट्स के प्रकार, और रूट्स की फॉर्मेशन का जो हिस्सा है वो ऑक्सिन्स का काम। सबसे पहला रूट, रूट डेवलपमेंट यानी कि ऑक्सिन्स। ठीक है, ऑक्सिन्स के माध्यम से रूट की डेवलपमेंट होती है, रूट का विकास होता है, एडवेंटिटियस रूट फॉर्मेशन होता है, यानी कि बहुत ऊपर तक पूरा अच्छे से रूट का फॉर्मेशन होता है, और रूट के रिलेटेड काम जो भी होती है वो ऑक्सिन्स। और ये रिलेटेड हो जाएगा आपको किससे? तो आप कह सकते हैं कि जियोट्रोपिज्म से। दूसरा, अब रूट के ऊपर का पार्ट होता है शूट्स। ठीक है, तो शूट्स डेवलपमेंट से लेकर के एडवेंटिटियस शूट फॉर्मेशन, शूट की ब्रांचेज बनना, पूरे उसमें स्टेम वगैरह सब का विकास होना, ये शूट से रिलेटेड जो ग्रोथ हार्मोन है इसके डेवलपमेंट से, उसको कहते हैं साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शूट डेवलपमेंट।
स्पाइन, ये मतलब रूट के बाद वाला हिस्सा। और तीसरा आता है जिबेरेलिन्स, ठीक है, थर्ड वन इज जिबेरेलिन्स। तो ये जिबेरेलिन्स जो है ये इनके बाद जो एरियल पार्ट्स हो गए, लीव्स वगैरह फॉर्मेशन या बाकी जो भी चीजें हैं, रूट शूट, थर्ड वन इज एरियल पार्ट्स। तो एरियल पार्ट्स की डेवलपमेंट का जो हिसाब किताब है और वो सारे के सारे जिबेरेलिन्स के माध्यम से कंडक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि प्लांट का जो मेन पार्ट है रूट शूट और एरियल पार्ट लीव्स वगैरह, इन तीनों का हिसाब किताब ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबेरेलिन, ये रूट, ये शूट और ये एरियल पार्ट लीव्स वगैरह के फॉर्मेशन और उसके डिवेलपमेंट से बन गया। तो अब ये तीनों का एक्शन चलता रहेगा तो पौधा न जाने कितना बड़ा होगा, ग्रोथ उसकी चलती चली जाएगी। तो अब ग्रोथ को रोकने के लिए एक ग्रोथ प्रिवेंटिव हार्मोन्स होता है जो जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड या कैपिटल में ए बी ए, एब्सिसिक एसिड या कैपिटल में ए बी ए, ये होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ये डिफरेंट पार्ट्स में उनके ग्रोथ को रोकने का काम करता है कि बस हो गया अब यहीं तक, सो दैट एक सर्टेन हाइट तक प्लांट जाता है और उसके मतलब उसकी आकृति हमें पता चलती है, उसका एस्टेब्लिश कंडीशन पता चलता है। तो दीज आर द मेन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स। तो अब ये हॉर्मोन्स क्या हो गए, तो ये वो केमिकल्स और वो केमिकल एक्टिविटीज विच इज और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवेलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट्स इन सच इन अ डिफरेंट इन अ डेफिनेट काइंड ऑफ शेप एंड साइज टू गवर्न इट्स लाइफ सक्सेसफुली इज कॉल्ड प्लांट आईआर, कॉल्ड प्लांट हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो एब्सिसिक एसिड इनके ग्रोथ को एब्सिसिक कंडीशन में लाता है यानी रोकने का काम करता है, ठीक। अब इन चारों के बाद एक एक्स्ट्रा हार्मोन भी होता है जिसका नाम होता है इथिलीन। ये जो इथिलीन हार्मोन है ये जब ये एरियल पार्ट्स वगैरह तैयार हो गया तो प्लांट्स में फ्रूट वगैरह बनेंगे है, तो इन फ्रूट्स में रिपनिंग का काम करता है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फलों को पकाता है, फाइन। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की चर्चा की, उसको अच्छे से पढ़ा। तो बाय दिस वी आर कंक्लूसिवली कम ऑन द पॉइंट दैट टुडे वी हैव डिस्कस्ड, एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स successfully, what kind of control and coordination happens in plants, what is coordination movement in plants, so two types of movements, growth dependent and growth independent, so the growth dependent movements followed by four processes mainly phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism या hydrotropism and इसके बाद growth independent में आ जाता है thymotropism, तो और उसके बाद the chemical actions and the catalysts which are responsible for such kind of coordination in plants in the form of different tropic movement levels, these are called hormones, these hormones are also five kinds, number one auxins, root development and division formation, cytokinin for shoot formation development and abscisic acid for abscission of different layers up to a balanced condition and gibberellins for aerial part formation and its development and after all the last one is you can say ethylene which is required for ripening of fruit. तो इस तरीके से control and coordination in plants का part आज होता है समाप्त।
अब बच गया आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.